फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? आशा करती हूँ आप सब अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज है मेरा माँ मंगला गौरी का व्रत, और जिसके लिए मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ पूजा करने के लिए। तो मैं आपको पूजा भी दिखाऊंगी कि मैं पूजा कैसे करती हूँ, चौकी कैसे लगाती हूँ। तो आप वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं भी ना दो के फ्री हुई हूँ और मैंने साड़ी पहनी है, बाल बांधना है और मुझे आज थोड़ा मेकअप भी करना, मतलब मावर नेल पेंट आलता जो लगाते हैं पैरों में वो लगाना है, मतलब पूरा कंप्लीट जैसे सुहागिन स्त्रियाँ श्रृंगार करती हैं उस तरह से मुझे श्रृंगार करना है, तभी पूजा में मैं बैठूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, मैं तो फ्रेंड्स अभी हम चलते बाल बांधते हैं। ये मैंने बाल बांध लिए हैं, बस मुझे एक रबर बैंड लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है सिंपली। तो मैं ये एक रबर बैंड लगा लेती हूँ अभी, और ये मैंने मेरी बाल हो गए हैं। अब मैं नेल पेंट लगाऊंगी फ्रेंड्स। तो देखिए, मैं रेड कलर की ही नेल पेंट प्रेफर करती हूँ पूजा में, तो स्पेशली मैं रेड कलर की नेल पेंट लगाती हूँ, बाकी का जैसी इच्छा होती है वैसे मैं लगा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं पूजा में रेड कलर की ही नेल पेंट लगाती हूँ। तो देखिए मैं फ्रेंड्स नेल पेंट लगा रही हूँ, देखिए आप पास से देखिए, ये मेरी नेल पेंट लग चुकी है। बस उसके बाद मैं लगाऊँगी आलता। देखिए फ्रेंड्स कैसी लग रही है मेरी नेल पेंट, अभी मैं लगाऊंगी आलता। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, जिसको हम लोग कुछ लोग महावर भी बोलते हैं, तो मैं वही लगा रही हूँ पैरों पे। देखिए महावर और मतलब फूल श्रृंगार करके ही हमें पूजा में बैठना है, तो पूजा में तो मैं महावर लगाती हूँ। मेरा जिस दिन व्रत होता है उस दिन तो महावर लगाती हूँ, वरना नहीं लगाती हूँ तो माँ जी बोलती हैं महावर लगा ली, वो बार बार याद लगवा देती हैं, तो इसलिए मुझे लगानी ही होती है। तो ये मैंने एक पैर में तो लगा ली है, अभी एक पैर और है मेरा, तो उसमें भी लगाऊँगी मैं भी। देखिए फ्रेंड्स, तो अभी मैं दूसरे पैर में भी लगा लेती हूँ। ये मेरी उंगली पास पास है ना, तो अच्छे से लग नहीं पाता, एकदम चिपकी हुई है मेरी उंगलियाँ। पूजा के लिए मैं आज बहुत लेट भी हो गई थी, इसलिए थोड़ा मुझे जल्दी करना पड़ा। आया इसको स्कूल भी छोड़ के आई सुबह, और फिर खाना वाना बनाया, इसलिए थोड़ा लेट हो गई आज पूजा के लिए, वैसे मैं सुबह जल्दी कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं, बाल भी हो गए हैं मेरे, महावर भी लगा ली है मैंने, और मैं अब हो गई हूँ पूजा के लिए रेडी। तो चलिए फ्रेंड्स पूजा करने चलते हैं। मैंने पूजा की थाली भी तैयार करके रखी हुई है, तो भी हम मंदिर में चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं मंदिर में आ चुकी हूँ, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से मंगला गौरी की चौकी लगाती हूँ, क्या क्या सामग्री रखती हूँ उसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं चौकी दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मैंने चौकी पे एक लाल कपड़ा बिछा लिया है, जिस तरह से आप देख रहे हैं वीडियो में, और ये है शिव परिवार की तस्वीर, इसमें संपूर्ण शिव परिवार है, जैसा कि आप देख रहे हैं नंदी, गणेश, शिव, पार्वती, और साथ में शिवलिंग भी है, और शिव जी की सारी सवारियाँ भी हैं इसमें, जैसे नंदी, सर्प और पूजा, शंख सब है इसमें। मतलब मुझे अच्छी लगी तस्वीर, तो मैं ये मार्केट से कल ही लेके आई हूँ अपनी पूजा के लिए, और ये मैं बनाऊँगी गेहूँ की शोले मात्र का। ये जो मैं डेटी बना रही हूँ गेहूँ की, ये शोले बनाऊँगी। इस पूजा में शोले संख्या का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इसलिए हम ये शोले डेटी बनाएंगे, इनको हम शोले मात्र काएँ बोलते हैं। इस पूजा में जो भी चीज़ हम समर्पित करते हैं वो शोले की संख्या में ही करते हैं। इन शोले जो हमें अनाज की डेरी बनाऊंगी, इनको शोले अनाज के रूप में हमें मानना है कि ये शोले अनाज, शोले प्रकार के अनाज हैं, इसलिए अब हम शोले अनाज नहीं ला पाते, तो मैं ये शोले
मातृकाएं बनाती हूँ, इनको ही मैं 16 प्रकार के अनाज के रूप में मानूंगी। तो ये मैंने 16 मातृकाएं बना ली हैं और अभी मैं बनाऊंगी 9 ग्रह, जो कि मैं चावल से बनाऊंगी। 9 नवग्रह बनाते हैं, तो ये मैं जैसे 9 बना करके फिर हम इनको तिलक करेंगे सभी को, सभी ग्रहों के अलग अलग नाम देके, बृहस्पति, शुक्र, बुध, इस तरह से सभी को नाम, 9 ग्रहों को नाम देके। इसमें इसलिए 9 ग्रह बनाए जाते हैं ताकि जो माता रानी की पूजा होती है वो पहले ग्रहों की शांति और पूजा करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए पहले हम सबसे पहले गणेश और फिर ग्रहों की पूजा करते हैं, उसके बाद बाकी की पूजा हम स्टार्ट करते हैं। और इधर ये 16 मातृका नवग्रह बनी गए हैं और इधर रखूँगी मैं गौरी गणेश, मिट्टी के बनाऊँगी, जो यहाँ गौरी गणेश स्थापित करूँगी, यहाँ कलश। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गौरी और गणेश स्थापित कर दिया और कलश भी स्थापित कर दिया है, और गौरी माता को मैंने चुनरी भी उड़ा दी है, और कलश गणेश जी भगवान को हम कलावी का वस्त्र समर्पित करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पूजा स्टार्ट करते हैं। मैंने तो गौरी गणेश स्थापित कर दिए हैं, कलश स्थापित हो गया, आगे की पूजा हम शुरू करते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले इनको कलावा पहन वस्त्र समर्पित करूंगी गणेश भगवान को। ये मैंने वस्त्र समर्पित कर दिया है कलावी का ही, और थोड़े सा कलावा तोड़ करके मैं कलश के मुख पर बांधूंगी। कलश देवता को भी हम ऐसे 3-5 बार या 3 बार हमें गांठ लगानी है। ओम श्री कलश देवता भी नमः का जाप करते हुए, और अगर आपको कलश मंत्र आता हो तो आप वो भी पढ़ सकते हो। और ये हमें पुष्प और अक्षत लेना है, सबका आह्वान हमने कर लिया, स्थापित कर दिया, हम उनको पुष्प और अक्षत चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान को चढ़ाएंगे पुष्प और अक्षत, उसके बाद हम गौरी माता को चढ़ाएंगे। तो गौरी माता के लिए हम लाल फूल लेते हैं और अक्षत लेते हैं, और गौरी माता का नाम जाप करते हुए या ओम शर्व मंगल मांगल्य शिवे शर्वादिशादि के शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते का भी हम जाप कर सकते हैं। ये गौरी माता का ही मंत्र है। और अब हम लेंगे सफ़ेद पुष्प, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो फ्रेंड्स, अभी हमने दीपक जला लिया है, अभी हम सभी को दीप धूप देंगे, धूप कराएंगे। मैंने दीप जला लिया है और ये मैंने धूप भी जला ली है। अब सभी को दीप धूप देने के बाद हम लेंगे बेलपत्र, जिस पे हम चंदन अष्टगंध से तिलक करेंगे, और सबसे पहले गणेश भगवान को, फिर गौरी माता को बेलपत्र समर्पित करेंगे, और शिव जी को। सभी को हमने बेलपत्र समर्पित कर दिया है। और अब मैं दिखाऊंगी आपको अपने श्रृंगार की पोटली, इसमें 16 श्रृंगार हैं और एक साड़ी। आप या तो आपकी इच्छा है आप ब्लाउज का पीस भी रख सकते हो, मैं साड़ी रखती हूँ हर साल। तो एक साड़ी और श्रृंगार का सामान, ये मैं पूजा में माता को समर्पित करती हूँ। फिर ये अपनी, ये आप जैसे साल का लास्ट, जैसे अभी सावन में 4 मंगलवार होते हैं, तो लास्ट मंगलवार को आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। अगर सासू माँ नहीं है तो किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, अगर ब्राह्मण भी ना हो तो किसी भी गरीब को आप दे सकते हैं ये, पर लेकिन सुहागिन स्त्री को ही देना है। तो आप देख लें, आपको जैसा आपके संभव हो, आप अपने सास को दे सकते हैं, ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। तो ये मैं श्रृंगार है, मैं गौरी माता को सबसे पहले श्रृंगार करूँगी, एक बिंदी गौरी माता के लगाऊँगी, और ये महावर भी लगाऊँगी मैं गौरी माता के। और मतलब श्रृंगार में से थोड़ी थोड़ी चीज़ गौरी माता को हम श्रृंगार करा देंगे थोड़ा थोड़ा, और फिर ये हम रख देंगे, ये फिर अपनी सासू माँ को दे देंगे हम, ये उन्हीं के लिए मंजते हैं, मतलब सासू माँ को देने के लिए ही होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी श्रृंगार कर दिया है, देखिए आप सब चूड़ी भी हैं इसमें, और ये मैं चूड़ी भी पहनाऊंगी गौरी माता को।
तो ये मैंने चूड़ियाँ भी पहना दी हैं गौरी माता को, देखिए आप। थोड़ा थोड़ा श्रृंगार मैंने समय से करा दिया है और ये मैं देखिए आप अच्छे से देख ली, ये पूरा श्रृंगार है, 16 श्रृंगार हैं इसमें, आपको गिनकर ही लाना है, कम नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने साइड में रख दिया है और अब मैं अपने आगे की पूजा करूँगी, भोग लगाऊँगी, सभी काम करूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने भोग भी लगा लिया है और ये मैंने जो सुपारी लौंग आपको दिखाई दे रही होंगी, ये जो चढ़ाई है ये हमें 16 की ही संख्या में चढ़ानी है, 16 सुपारी, 16 लौंग और 16 इलायची, इसी तरह से हमें 16-16 चढ़ानी है सभी चीज़ें। और ये मैंने मेवा का भोग लगाया है और शाम को मैं केले का भोग लगाती हूँ, कोई भी फल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं मंगला गौरी की पदकथा पढ़ती हूँ। तो आप मार्केट में ये बुक हमें इजीली मिल जाती है, तो आप अगर मंगला गौरी का पत्र रहते हैं तो आपको ये किसी भी दुकान से मिल जाएगी, जहाँ धार्मिक पुस्तकें मिलती हैं उस दुकान से आपको मिल जाएगी। तो मेरे पास तो काफ़ी 2-3 हैं, मैंने सबसे पहली बार अपनी मम्मी के घर पे यानी अपने मायके में रहा था तो वहाँ भी खरीद ली थी, यहाँ भी फिर आगे खरीद ली। देखिए मैंने दीपक में कपूर, थोड़ा सा कपूर डाला है, उसके बाद मैं अब दीपक प्रज्वलित करूँगी। दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर कपूर हमें डालना ही है, क्योंकि कपूर पवित्र होता है तो पवित्रता ज़रूरी है। और इससे क्या है, जो इसकी दीपक की लो जाएगी, जो धुआं होता है, जो लो होती है, उससे वातावरण भी पवित्र होता है, तो इसलिए हमें कपूर दीपक में डालना है। और डेली के दीपक में भी आप डाल सकते हो, इससे अच्छा ही होगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा, तो आप कपूर डालिएगा। और अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। तो ये हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है और हम एक एक करके गणपति, और हमने इसी दीपक से आरती करनी है, हमने इसमें थोड़ा सा कपूर डाल लिया है। तो चलिए हम आरती करते हैं, पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे। हम करते हैं गौरी माता की आरती। जय गौरी माता, देखिए फ्रेंड्स मेरी पूजा हो गई है संपन्न। और ये पूजा दोनों टाइम करनी होती है, शाम को भी मैं आरती करूँगी और ये अभी मैंने मेवा का भोग लगाया है, शाम को मैं फल का भोग लगाऊँगी। कोई भी फल ले सकती हूँ, केला, आम, आपकी जो इच्छा हो आप ले सकते हो, मैं केला लेती हूँ, तो मैं शाम को केले का भोग लगाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स मेरी पूजा हो चुकी है संपन्न। जय हो, बोलो गौरी माता की जय, बोलो शिव भगवान की जय। सभी के चरण स्पर्श कीजिए, से गौरी माता के चरण स्पर्श किए और क्षमा याचना कीजिए। कोई भी पूजा में त्रुटि हुई हो, किसी भी चीज़ की कमी, तो उसे माफ़ करें, क्षमा याचना करें, सिर झुका करके। प्रार्थना करनी है गौरी माता से कि जैसे गौरी माता का सुहाग अमर रहा है, वैसे ही हमारा भी सुहाग अमर रहे। आप अपनी ऐसे झोली फैला के उनसे अपने लिए सुहाग का आशीर्वाद, सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सिर झुकाइए और ऐसे झोली फैला लीजिए और उनसे कहिए, जैसे ही गौरी माता आप सदा सुहागिन, अखंड सौभाग्य है आपका, ऐसे ही हमें सौभाग्य प्रदान करें। तो देखिए फ्रेंड्स ये है मेरी पूजा की चौकी, आप देख सकते हैं इसमें।
मैंने मेवा को भोग लगाया और ये सफ़ेद मिठाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कि हम देख सकते